हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का पार्ट 1, यानी कहने का मतलब है पहले चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं वो आज की वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में आने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप पार्ट 1 को अटेंड करने के बाद पार्ट 2 को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्लासेस जरूर जो है ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का जो फिजिक्स का आपका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं वो आपके लिए दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि 70% जो है आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं और 30% जो है आपके जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वही दो पुरानी बातें कहना चाहता हूँ। वो दो बातें क्या हैं आप लोग जान ही गए होंगे, कि नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज दो लाइन आज की पीढ़ी या आज के नवयुवकों के बारे में कहना चाहते हैं। दो लाइन, वो दो लाइनें क्या हैं वो आप भी जानिएगा। वो दो लाइनें क्या हैं जो आजकल के युवक कर रहे हैं। आजकल के युवक आप जानते हैं सफल होने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है, और आजकल के जो युवक हैं, आजकल के जो नवयुवक साथी हैं, वो जुनून जो है किसी और चीज़ में दिखा रहे हैं। वो जुनून जो है जिस क्षेत्र में दिखाना चाहिए उस क्षेत्र में जुनून को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में जुनून को दिखा रहे हैं। एक आज वो क्षेत्र आप खूब अच्छे तरीके से जानते हो, हर एक युवक जान रहा है वो कौन से क्षेत्र में दिखा रहे हैं। दुनिया इतनी अजीब है कि छोटी छोटी उम्र में जो है इश्क करने लगते हैं सब लोग। और आपको एक कहावत याद होगा कि इश्क जो होता है वो बेरोजगारों का काम होता है। मैंने क्या कहा, ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा, इश्क बेरोजगारों का काम होता है। और पर ये जो इश्क होता है वो किसके पास टिकता है, जिसके पास रोजगार होता है। यानी इश्क बेरोजगारों का काम होता है पर टिकता रोजगारों के पास है। तो भैया रोजगार बनिए तब इश्क आपके पास टिकेगा। अभी जो इश्क आप कर रहे हो वो एक बेरोजगार हो तब तक कर रहे हो, जिस दिन रोजगार हो जाओगे यही इश्क आपके पास रुक जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जरा सा अगर आपकी दिमाग खुले होंगे तो उस जुनून के साथ, उस जज्बे के साथ कि हमको जो है विजय पाना है, हमको सक्सेस होना है, तो आज की क्लास को जो है आप लोग पूरा मिस ना कीजिएगा, पूरे क्लास को अटेंड करके जाइएगा। आइए, सबसे पहला सवाल क्या है एनसीईआरटी का। सबसे पहला सवाल है, दो गोले के आवेश क्रमशः 2×10⁻⁷ और 3×10⁻⁷ कूलम है, क्या है भैया? हमने कहा दो ठो गोले हैं। चलिए जो दो ठो गोले हैं आइए हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है, दो ठो गोला है। तो मान लेते हैं वो दो गोले ये हैं, इस प्रकार ये दो ठो गोले हैं। एक गोला ए मान लेते हैं, या एक गोले का परिमाण मान लेते हैं Q1 और दूसरे गोले का परिमाण मान लेते हैं Q2। दो गोले आवेश क्रमशः एक पर जो है 2×10⁻⁷ कूलम है, यानी Q1 बराबर इस गोले पर दे दिया है आवेश 2×10⁻⁷ कूलम। आगे तथा दूसरे वाले पे जो आवेश है भैया वो Q2 बराबर 3×10⁻⁷ कूलम। बातें समझिएगा, जिनके बीच की दूरी जो है 30 वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी ये जो दोनों गोले हैं वो गोले जो है गोले के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये दो जो दो ठो गोले हैं वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं भैया। अब आप बीच की दूरी को हम लोग R से व्यक्त करते हैं, तो R बराबर कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 30×10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻²  से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे कर रहा है, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। इतनी बातें समझ में आई, आइए हम लोग बल ज्ञात करते हैं। अब कूलम के नियम से, किनके नियम से भैया, कूलम के नियम से। कूलम का नियम हमने क्या पढ़ा है, कूलम का नियम पढ़ा था F बराबर 1/4πε₀ Q1 Q2 अपान R²। यही कूलम का नियम था। अब इतने पूरे का मान हमने बता के रखा है 9×10⁻⁹ होता है। इतने पूरे का मान 9×10⁻⁹ होता है।
Q1 का मान कितना है? Q1 है भैया 2 × 10⁻⁷। फिर Q2 कितना है? Q2 है 3 × 10⁻⁷ बटे R²। R कितना है? 30 × 10⁻²। आसानी से हल कीजिएगा, जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, केवल वो जुनून की ज़रूरत है कि हमको इसको करना है तो करना है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। यह बराबर क्या हो जाएगा? 9, देखिए 9 × 2 × 3 एक तरफ करते हैं, 9 × 2 × 3 फिर गुड़े, देखिए 10⁻⁷ और 10⁻¹⁴ सॉरी 7, 7 7 क्या हो गए? जुड़ गए, तो 10⁻⁷ कितना आ गया? −14। और कितना है भैया? × 10⁻⁹। चलिए बटे क्या हो जाएगा? R²। तो R² का मतलब होता है 2 × 30, गुड़े कितना हो जाएगा? 30, 30 का 2 × और 2 × 2 = 4, यहाँ 10⁻⁷ कितना आ गया? −4 आ गए। तो 4 ठू ये काट देंगे पावर को, यहाँ से 4 पावर कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 10 बचेगा, 4 ठू कम हो गए ना। अब देखिएगा भैया आगे, 9 × 2 = 18, या तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इनको जरूर काट सकते हैं। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 30, ये कैंसिल हो गए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितने हो गए भैया आपके? 30 हो गए। इतनी बातें क्लियर हुई? या आप ऐसे कीजिएगा, एक मिनट के रुकिएगा, ये 3 ऐसे लिखे रहिएगा और ये 30 भी आप लिख लीजिए, अगले स्टेप में हम इनको हल करते हैं। ठीक, अब देखिएगा आगे, 9 × 2 × 3 यहाँ कितने कम हुए भैया? 4 ठो कम हो गए हैं, तो कितने हो गए? 10⁻⁰ और यहाँ गुड़े कितना है? 10⁻⁹। आगे 30 तिहाई कितना हो गया भैया? 30 का गुणा 30 बार करेंगे 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 900, 9 × 1 = 900, 9 × 2 = 900। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें भैया समझ में आई? अब आपके पास क्या बचा? 2 तिहाई 6, ठीक, कितना बचा? 6, और ये 2 ठो कट जाएंगे, ये 2 पावर यहाँ कम कर देगा। ठीक, कितना बचा? 6 × 10⁻⁰⁰ × कितना बचा है? यहाँ 2 ठो कम हो गए हैं, 10⁻⁷ कितना बचा है? 7 बचा है। तो पावर जब आपका आधार बराबर होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो −10 में से 7 घटा देंगे तो 6 × 10⁻³ N, तो इनके बीच जो कार्यरत बल है भैया वो यह बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻³ N। आइए हम लोग आंसर को मिला लेते हैं। जी बिल्कुल, आपका जो आंसर आया है वो 6 × 10⁻³ N आया है। और डियर गाइज, कौन सा बल लगेगा? दोनों आपके कौन से आवेश हैं? दोनों आपके धनात्मक आवेश हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गए होंगे पहला सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। इसको भी मिटा लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर जी पहला ही सवाल में सब कुछ करने लगे। ले लीजिए दूसरा लगा लेते हैं। अब क्या करा? वायु में 2 रखे छोटे गोले क्रमशः आवेश, यानी 2 ठो गोले रखे गए हैं। यहाँ देखिए वायु में 2 ठो गोले हैं, पर इनके बीच की दूरी इस बार नहीं है, इस बार बीच की दूरी मान लेते हैं R है। बीच की दूरी क्या है? R। देखिए वायु में रखे 2 छोटे गोले क्रमशः, इन पे आवेश इतना इतना है, उन पे बीच कार्यरत बल इतना है। तो भाई साहब इस बार जो है ये मान लेते हैं Q1 है, ये कितना है भैया? Q1 है, ध्यान से समझिएगा। Q1 = दिया है 0.4 μC, तो μC को कुलाम में चेंज करेंगे तो 0.4 × 10⁻⁶, ध्यान से समझिएगा, हमने μC को कुलाम में चेंज कर दिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए। और जो Q2 है वो Q2 बराबर कितना है? −0.8 μC, इनको चेंज कर देंगे तो 0.8 × 10⁻⁶ कुलाम, ये आ गए कुलाम में, ये भी आ गए कुलाम में। ठीक, ये ठीक, इतने 2 आवेश हो गए। उनके बीच कार्यरत बल यानी F इक्वल टू कितना दे दिया? 0.2 N। अब पहला चीज़ इसमें क्या पूछा है? पहला चीज़ पूछा है दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है भैया? R है। तो आइए हम लोग R ज्ञात करते हैं, तो किसके नियम से ज्ञात करेंगे भैया? कुलाम के नियम से। आपने कुलाम का नियम क्या पढ़ा था? F बराबर 1/4 πε₀ Q
Q1, Q2 अपान आर स्क्वायर पढ़े थे भैया। इतने पूरे का मान हमने क्या बताया था, इतने पूरे का मान 9×10^9 होता है, जो कि हर जगह यही उपयोग करोगे आप लोग। आगे Q1, Q1 कितना है, 0.4×10^-6। फिर Q2 कितना है, 0.8×10^-6। माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस वहाँ केवल ये बताता है कि ये ऋणात्मक आवेश हैं। आगे बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर, बटे क्या हो गया भैया, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर यहाँ छोड़ दिए। अब देखिए एफ का मान कितना है, 0.2 न्यूटन। देखिए अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई यहाँ से, इनका मल्टीप्लाई यहाँ से, तो आर स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9×10^9, 0.4×10^-6, 0.8×10^-6, बटे क्या आ गया, 0.2। अब देखिए ये इनसे कैंसिल कर देंगे, तो इनसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, न कि 0.4 आएगा भैया। अब आगे आप ध्यान से समझिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, कर्णी लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाए, इधर आप कर्णी लगा दिए, क्या आ गया, 9×10^9 × 0.4×10^-6 × 4×10^-6। आपको ये नियम जरूर पता होगा कि जो कर्णी में जो संख्याएं होती हैं हम उनका वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, r बराबर 9 का वर्गमूल 3, फिर 10^9, 10^ कितना है भैया, 9। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से काट दें, 1 10 कम इस पॉइंट को काटे तो 1 10 लग गए, और ये 1 10 1 10 यहाँ से कम कर देगा तो 10^ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 10^8 का वर्गमूल बाहर करेंगे भैया, एक मिनट जरा सा समझिएगा, 10^8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10^ कितना आ जाएगा, 4। 4 10^4, क्यों, क्योंकि 10^8 को आप 10^4 और 10^4 लिख देंगे, तो जो संख्याएं जिनकी संख्याएं जोड़ा बन जाता है, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है वो एक बार लिख दी जाती हैं वर्गमूल में, तो ये 10^4 आ गए। फिर क्या हो गया, आगे कितना बचा है भैया, 4 बचा है, तो 4 का वर्गमूल 2, फिर 10^-6, 10^-6, ये दोनों मिल के बाहर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-6, क्यों, क्योंकि ये दो बार हो गए बाहर आएंगे तो एक बार, और 4 का वर्गमूल 2, तो 2×2=4, 12 हो गए, और 10^4 और 10^-6, 6 में से 4 घटा दिए, 12×10^-2 मीटर। तो भैया दोनों गोलों के बीच की दूरी 12×10^-2 मीटर थी, या इसे हम लोग कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ये हो गए आपका इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय गोला प्रथम गोले पर कितना बल लगाएगा। तो भैया एक बात ध्यान से समझिएगा, जो लगने वाला जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। तो भैया Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए जो Q1 जितना Q2 पे लगाएगा Q2 भी उतना इस पे भी लगाएगा। अर्थात Q1 इस पे 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा था, तो Q2 भी Q1 पर 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। तो लिखेंगे, चूंकि यह प्रोपोर्शनल Q1×Q2, यह प्रोपोर्शनल Q1×Q2, यानी जो लगने वाला बल है वो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा। अर्थात Q1 आवेश Q2 पर जितना बल लगा रहा है, Q2 पर जितना बल लगाएगा
उतना ही बल Q2 भी Q1 पर लगाएगा। ठीक, यानी ये इस पे 0.2 न्यूटन, ये भी इस पे 0.2 न्यूटन। तो इस प्रकार आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा सवाल पढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भैया। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि अनुपात के ई स्क्वायर बटे जी एम ई, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान एक बीमाहीन है। यानी आपको ये वाला अनुपात बीमाहीन प्रूफ करना है, फिर भौतिक नियतांकों द्वारा अनुपात का मान भी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले पहला पोर्शन इसका हल करते हैं, इसको बीमाहीन प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे भैया, क्योंकि हमने इस क्लास स्टार्ट करने से पहले वो जुनून वो जज्बा के साथ चले हैं। वो जुनून बना रहना चाहिए, कब तक बना रहना चाहिए, जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। वो जुनून जरूरी है। आइए तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि ये अनुपात, तो अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात आपको दिया गया है अनुपात बराबर के ई स्क्वायर दिया गया है, फिर दिया गया बटे जी एम ई और एम पी। तो आइए एक एक नियतांकों का मान निकालते हैं, पहले के का बीमा निकालेंगे, फिर ई का, फिर जी का, फिर एम ई का, एम पी का। तो एक एक का बीमा निकालते हैं। तो सबसे पहले के की बीमा निकालेंगे, तो के की बीमा कहाँ से निकलेगी, आप सोचिए। आपने पढ़ा था कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से एफ बराबर क्या पढ़े थे, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से के की बीमा निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के क्या आ जाएगा, क्यू वन इंटू क्यू टू, एफ का गुणा आर से कर देंगे तो एफ आर स्क्वायर आ गया। फिर के की बीमा, तो के बराबर हो गया एफ आर स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, क्यू वन इंटू क्यू टू, बटे कितना आ जाएगा, क्यू वन और क्यू टू। अब हम लोग किसका निकालेंगे, के की बीमा निकालेंगे। आइए लिखते हैं के की बीमा, तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। K की बीमा बराबर F की बीमा, तो F की बीमा क्या होती है भैया, एम एल टी पावर माइनस टू, ये F की बीमा हो गई। फिर R, R क्या है, दूरी है, तो दूरी के लिए L का उपयोग करते हैं, तो L के पावर टू हो गई इसकी बीमा, बटे Q1 और Q2, Q1 क्या है आवेश, तो आवेश की बीमा 80 होती है, Q2 तो Q2 आवेश है, तो आवेश की बीमा 80 हो गई। ध्यान से समझेंगे, अब देखिए L के पावर यहाँ एक है, यहाँ दो है, दो और एक कितने हो गए तीन, तो एम एल के पावर थ्री, फिर यहाँ कितना है T के पावर माइनस टू। ये देखिए एक मिनट, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, चलिए आगे पद में हल कर लेंगे हम लोग। इतनी बातें समझ में आई, पूरे के बटे क्या है A, A का मल्टीप्लाई A से हुआ A स्क्वायर, T का मल्टीप्लाई T से हुआ T स्क्वायर। अब ये सब चीज़ ऊपर जाएंगे तो ये पावर टू ऊपर जाएगा तो पावर माइनस टू हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू। चलिए एक स्टेप और हल करते हैं, ये ऊपर गया तो ए के पावर माइनस टू, ये ऊपर गया टी के पावर माइनस टू, माइनस टू माइनस टू प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी पावर माइनस फोर ए के पावर माइनस टू। इस प्रकार आप ये के की बीमा निकाल लिए। इतनी बातें क्लियर हुई, के की बीमा निकाल लिए, अब ई की बीमा निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन, तो ई की बीमा, तो इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश होता है, तो ई की बीमा हो जाएगी ए टी, क्यों, क्योंकि आवेश की बीमा ए टी होता है। ठीक, ये बातें इतनी क्लियर हो गई। अब हम लोग किसकी बीमा निकालेंगे, अब हम लोग किसकी बीमा निकालेंगे, कैपिटल जी की बीमा निकालेंगे। तो कैपिटल जी की बीमा कहाँ निकलेगा, न्यूटन के नियम से, F बराबर जी एम वन यम टू अपान कितना था आर स्क्वायर, हम लोग बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भैया, फिर क्या आएगा जी यम वन यम टू बराबर F का गुणा आर से किए F आर स्क्वायर हो गया। ठीक, आपको G की बीमा चाहिए, तो G की बीमा निकालने के लिए F R स्क्वायर यम वन एम टू को इधर भेज दिए, तो यम वन बटे यम वन इंटू एम टू आ गए। चलिए G की बीमा निकालते हैं, तो G की बीमा, तो G की बीमा क्या होगी भैया, F की बीमा, तो F की बीमा क्या है एम एल टी पावर माइनस टू, और R, R क्या है दूरी है, तो दूरी की बीमा L के पावर टू होगी। फिर भैया पूरे के बटे एम वन, एम वन क्या है भैया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान
यमोन क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा केजी, द्रव्यमान की बीमा क्या हो गई केजी। या तो आप क्या लगा सकते हैं भैया इसके लिए, इसके लिए द्रव्यमान के लिए आप लोग क्या उपयोग कर दीजिए, एम कर दीजिए, क्या कर दीजिए एम कर देंगे। फिर उसके बाद एम टू क्या है भैया, एम टू, तो यम टू क्या है, यम टू के लिए भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए क्या लगा दिए, यम लगा दिए। तो क्रॉस मल्टी इनका गुणा करते हैं, तो देखिए एल के पावर दो और एक मिलके कितने हो गए तीन, तो एल के पावर तीन टी के पावर माइनस टू, ये पूरे के बटे क्या हो गए एम के पावर टू, एम के पावर टू। ठीक भैया, इतनी बातें समझ में आई। ये रही जी की बीमा, किसकी बीमा रही भैया, जी की बीमा। अब हम लोग किसकी बीमा निकालेंगे, एम ई और एम पी। तो एम ई और एम पी दोनों द्रव्यमान हैं, तो दोनों द्रव्यमान की बीमा क्या आ जाएगी भैया, दोनों द्रव्यमान की बीमा आप एम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं एम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बीमा हम लोग क्या लगा देंगे एम। तो ये सब मान अनुपात में रखने पर, तो अनुपात क्या है, आइए अनुपात क्या है, बराबर के, तो के की बीमा, के की बीमा कितनी आई है देख सकते हैं भैया, के की बीमा कितनी है एम एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस फोर ए के पावर माइनस टू। ये आई किसकी बीमा, किसकी बीमा आपने रखा भैया, ये के की बीमा। फिर ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ई की बीमा एटी है, ई की बीमा एटी है, तो ये एटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर पूरे के बटे, पूरे के बटे, तो पूरे के बटे कितना है जी, जी की बीमा कितनी है भैया, जी की बीमा है यहाँ देखिए एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू और बटे कितना है एम के पावर टू है। ठीक भैया, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए क्या है एम ई और एम पी, तो एम ई और एम पी की बीमा कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसकी बीमा रख दीजिए। देखिए अगर आप हल करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये टी के पावर टू और एक एक स्टेप और हल करते हैं अब हम लोग, यम आ गया एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस फोर ए के पावर माइनस टू। ठीक भैया, आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर टू आ जाएगा और टी के पावर टू, तो ये टी के पावर टू और एक स्टेप और यहाँ जो नीचे बचा है एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू। तो देखिए ये टी के पावर माइनस टू ये काट दिए और ये यहाँ प्लस टू आएगा, तो ये इसको काट दिए जो बचा, ये वाले इनको, ये वाले इनको, तो इस प्रकार जो है ये पूरा जीरो आ गया। तो अतः अनुपात क्या है, अतः अनुपात क्या हो जाएगा, एक बीमाहीन राशि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी का बीमा नहीं बचा है, तो इसलिए दिया गया अनुपात क्या है, एक बीमाहीन राशि है। तो इस प्रकार आप लोग इसको बीमाहीन प्रूफ कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग इनका जो है भौतिक नियतांकों द्वारा अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। तो अनुपात का मान निकालते हैं, तो अनुपात का गणितीय मान, अनुपात का गणितीय मान, अनुपात का गणितीय मान देखिएगा। अब के का मान रखेंगे, किसका मान भैया, के का मान, के कितना है 9×10⁻⁹। फिर ई, तो ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गए ई का मान। फिर बटे था जी, जी का मान 6.67×10⁻¹⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1×10⁻³। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67×10⁻²। ठीक, आइए इसको आप हल करेंगे, तो 9×10 कितना होगा 9, फिर यहाँ 1.6×1.6 दो बार गुणा करेंगे इनका, फिर 19×2 38 10⁻⁸ आ गए भैया। फिर आगे 6.67 फिर गुड़े 10⁻¹⁹, फिर क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 9.1 एक तरफ, फिर गुणा करेंगे 1.67 से 31 और 27 और 11 जोड़ देंगे, 31 10 41 10 41 1 42 42 7 49 49 42 7 49 और 49 20 69 10⁻⁹ आ गए। तो ये कुछ कैंसिल कर देंगे इनको, और यहाँ कितना कम हो जाएगा 38 तो कट जाएंगे, तो 38 1 39 और 39 और 20 39।
ठीक है, 3920 तो इनको काटेंगे तो 69 में से आप 38 घटा दीजिएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, कितना आ गया 31 आएगा, कितना आएगा भैया 31। तो इसको हल करेंगे तो 9 × 10 कितना है 9 है, 1.6 × 1.6 बटे कितना है 6.67 × 9.1 × 1.67। यहाँ काटे थे कितना आया 10⁻³, ये 31 ऊपर चला जाएगा तो 31 और 9 कितना हो जाएगा 40। इसे आप हल करोगे तो हल करने के बाद आपको मिल जाएगा 2.29 × 10⁻⁹। तो इस प्रकार आपका जो है औसत और जो इनका गणितीय मान है वो ये आता है। तो आप इसको ज़रूर हल करेंगे और हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके आ गए या नहीं आ गए। अगर नहीं हल कर पाते तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको आपको हल करके दे दूँगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चौथा सवाल क्या है, किसी वस्तु पर आवेश क्वांटीकृत होता है, इस कथन का व्याख्या कीजिए। आगे कह रहा है दूसरा नंबर कुछ और पूछा है, उसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये समझिएगा। ये एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु के या किसी वस्तु पे आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है आवेश के क्वांटीकरण। मैंने थ्योरी में बता के रखा है क्वेश्चन नंबर चार मैंने क्या बता के रखा है कि किसी वस्तु पे आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, कि जो आवेश होते हैं किसी भी पदार्थ की बात कर लिया जाए, उसमें जो आवेश पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, या तो पैकेट या बंडल के रूप में पाए जाएंगे। क्या मैंने कहा कि इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या आवेश के क्वांटीकृत का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, और जहां n क्या होता है अस्थांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और e क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा कि किसी वस्तु पे आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो भैया मैंने बताया कि जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में जब भी कोई आवेश पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा या तो पैकेट या बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, और पूरी जानकारी लेने के लिए आप जो है इसका जो है क्लास, जो थ्योरी क्लास चलाई गई है उसमें आप जरूर जाके एक बार देख सकते हैं। आगे क्या है पूछ रहा है, बृहद प्रेक्षणों में क्वांटीकरण की घटना वैद्युत आवेश के लिए दृष्टिगोचर नहीं होता। जी बिल्कुल, दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि व्यवहारिक रूप में जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऐसे लिख देंगे इसका उत्तर क्या है, बृहद प्रेक्षणों में क्वांटीकरण की घटना के लिए या घटना प्रेक्षणों क्या लिखा गया भैया प्रेक्षणों में क्वांटीकरण की घटना वैद्युत आवेश के लिए दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि यहीं से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान
बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक भैया, जो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश होते हैं ये व्यवहारिक रूप में जो है बहुत कम होते हैं, इसलिए जो है ये दृष्टिगोचर नहीं होता। ठीक भैया, तो इस प्रकार आपका जो 4 नंबर सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग 5वें सवाल को कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। फिर हम लोग 5वें सवाल को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 5वां सवाल क्या है भैया? 5वां सवाल है, जब कांच की छड़ को सिल्क पे रगड़ा जाता है, ध्यान समझिएगा। आइए एक क्या ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच की छड़ ले लेते हैं। कांच की छड़, उसके बाद क्या करा, सिल्क की, तो एक ले लेते हैं सिल्क। कांच की छड़ को किससे रगड़ देते हैं? सिल्क से। किससे रगड़ देते हैं? सिल्क से, ध्यान समझिएगा। कांच की छड़ को क्या करते हैं? सिल्क से रगड़ते हैं। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं, आगे कह रहा है, रगड़ा जाता है तब दोनों छड़ आवेशित हो जाते हैं। यानी उसके कहने का मतलब है कि जब आप इन दोनों को नहीं रगड़े रहते तो रगड़ने से पहले यहाँ भी आवेश जीरो रहता है, यहाँ भी आवेश क्या रहता है, जीरो होता है। रगड़ने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार अन्य घटना व्यवहारिक वस्तुओं युग्मों में प्रतीत होते हैं। यानी इस प्रकार की जो घटना है और कई वस्तुओं में देखने को मिलता है, यह घटना आवेश संरक्षण के सिद्धांत का किस आधार पालन करती है, ये आपको बताना है। तो ये भैया आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, मैंने बताया है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी हम लोग इस पे न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं न तो बिगाड़ सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब रगड़े नहीं रहते, कांच की छड़ को सिल्क से नहीं रगड़े रहते, तो दोनों पे आवेश की मात्रा समान रहता है, यानी दोनों उदासीन रहते हैं। पर जैसे दोनों को रगड़ते हैं, रगड़ने पर कांच के छड़ में से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। कांच के छड़ में से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के छड़ पर आ जाते हैं, जिससे सिल्क पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, और कांच के छड़ पे क्या आ जाता है, धनावेश हो जाता है। कितना आ जाता है, धनावेश आ जाता है। फिर से लिख देते हैं, जिससे कि कांच के छड़ पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और सिल्क पर ऋणावेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे से एक दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इस पे जाके बैठ गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो जितना इस पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ होगा उतना इस पे धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा। यानी जितना इससे आवेश स्थानांतरित हुए उतना आवेश इस पे मिल गए। तो इस प्रकार यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, यानी न तो उत्पन्न किए न तो नष्ट कर पाए, बल्कि कांच के छड़ पे से सिल्क के छड़ पर स्थानांतरित कर दिए। तो क्या इसका जवाब लिखेंगे, जब कांच की छड़ को सिल्क के छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सिल्क के छड़ पर चले जाते हैं, जिस प्रकार कांच के छड़ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है और सिल्क के छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को पालन करती है। बातें समझ में आई भैया? आप जरूर लिख सकते हैं, एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं थोड़ा स्लोली मोशन में। जब कांच की छड़ को सिल्क की छड़ से रगड़ा जाता है, दोनों को रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर इसके जो एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। किस पे? सिल्क के छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण कांच के छड़ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है और सिल्क के छड़ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार आवेश को हम लोग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे रूपांतरित कर देते हैं। तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करती है। इस प्रकार आपके एनसीईआरटी के जो 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं।
आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो अगले दिन आपको ज़रूर ला के देंगे। ठीक, धन्यवाद।